क्वेश्चन नंबर 82। देखो आपके बुक में जो क्वेश्चन गिवन 82, इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एक बार ये देखते हैं पहले हम। इंफॉर्मेशन कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर, तीन पार्टनर है, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। नोटिंग बाद में करना आप। एक्स वाई जेड आर पार्टनर, पार्टनर गिवन है आपको। इसके बाद आगे कंटिन्यू में क्वेश्चन में देखो, बैलेंस शीट के कुछ एसेट्स है, कुछ लाइबिलिटी। इसमें कुछ एसेट्स वो भी है जो कि आज से पहले किसी क्वेश्चन में नहीं देखा था, और लाइबिलिटी भी गिवन है आपको। जेड डाइड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो सबसे अच्छी बात इसके अंदर यह है कि जेड जो डाइड हुआ वो 1 अप्रैल को हो गया। यहां पर अब प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं आएगा। प्रॉफिट का कैलकुलेशन कब आता था? जब कोई पार्टनर बीच में डाइड कर जाता था, तब उसका फैमिली मेंबर उससे प्रॉफिट का डिमांड किया करता था। लेकिन अब इस सिचुएशन में वो साल के स्टार्टिंग में ही गया है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का कोई रोल नहीं है इसमें। आगे कहता है गुडविल दे रखा है एक्सेट्रा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट कर ले, उसके बाद फर्दर आगे जो भी होगा क्वेश्चन करेंगे। पहले एडजस्टमेंट में अगर हम देखें, कहता है जेड डाइड ऑन 1 अप्रैल 2018, एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 3:5। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि न्यू प्रॉफिट रेशियो बता देते हैं ना, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी आपको। यानी गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, पहले गुडविल निकाल ले फिर गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अब मैं गुडविल यहां पर निकाल रहा हूं आपका, गुडविल देखना। गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैं निकाल लेता हूं यहां पे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितने साल का एवरेज प्रॉफिट इसने बोला है क्वेश्चन में। कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 2.5, यानी ढाई साल परचेज एवरेज कंप्लीटेड ईयर विच वर, आपको चार साल का कंप्लीटेड ईयर, लेकिन यहां प्रॉफिट तीन का दे रखा है, इट मींस एक साल का देखोगे बैलेंस शीट में मिलेगा। बोलता है चार साल का एवरेज प्रॉफिट निकालिए, और यहां पे दे रखा है हमें सिर्फ 2014-15, 15-16 और 16-17, तीन साल का। चौथे साल का देखो बैलेंस शीट में लॉस नजर आएगा आपको 1.5 लाख का, तो प्रॉफिट है 1,80,000, 82,000 प्लस 80,000 प्लस 82,000 और माइनस 150, माइनस 150 डिवाइडेड बाय 4, एसेट साइड में जब भी गिवन होता था तो उसको हम बोलते हैं लॉस, और जब लाइबिलिटी में गिवन होता है तो उसको बोलते हैं हम। तो ये मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट, अगर मैं निकालू तो 28,000 गुडविल नहीं है ये अभी हमने निकाला है एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकाला जाएगा? गुडविल निकाला जाएगा एवरेज प्रॉफिट 28,000 70,000 मेरा क्या है यहां पे? गुडविल आ गया है। ये गुडविल किसका है? पूरे फर्म का गुडविल है ये। अब हम क्या करेंगे, पूरे फर्म का गुडविल है, जो डेथ है वो जेड का हो रहा है यहां पे, तो इस सिचुएशन में हम पहले जेड का शेयर निकाल लेंगे गुडविल का। जेड का अगर मैं यहां पे शेयर निकालूं, जेड शेयर, तो ये आ जाएगा 70, और इसका रेशियो मैं अब क्वेश्चन में देख के एक बार बता देता हूं, 5:3:2, 5 तो 2/10, इट मींस 14,000, इट मीन्स 14,000 आ गया गुडविल। अब यहां पे सबसे मेन मुद्दे की बात है गेनिंग रेशियो निकालना। गेनिंग रेशियो मैं यहां निकाल रहा हूं, गेनिंग रेशियो निकलेगा एक्स और वाई का। एक्स का भी न्यू रेशियो गिवन है, वाई का भी न्यू रेशियो गिवन है। एक्स का न्यू रेशियो हमारा 3/8 और 5/8, माइनस कर देंगे 5/10 माइनस 3/10, एलसीएम लेके अब आ गया इसका 30 माइनस में 40 डिवाइडेड बाय 80, ये आ गया आपका 50 माइनस में 24 डिवाइडेड बाय 80, ये माइनस में आ गया 6/5,
सॉरी 10 आएगा ये। माइनस में आ गया 10/80, और दूसरे का देखा जाए तो दूसरे का आ गया हमारा 2 का मैंने रेशियो निकाल लिया। अब इसके अंदर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर यहां पे गेन कर रहा है। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, जेड तो रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है इसका जेड का। तो अब यहां पे एक्स जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब अकेला वाई गेन कर रहा है, तो वाई इसको भी पैसे देगा और इसको भी पैसे देगा गुडविल का, यानी वाई दोनों को मिलके देगा। जनरल एंट्री इसका क्या बनेगा यहाँ पे, अगर जनरल एंट्री हम करते हैं तो उसका जनरल एंट्री आएगा वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू जेड। अब डिपेंड करता है, हमें सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि वाई जो है वो जेड को कितना देगा वो तो पता चल गया 14,000, लेकिन एक्स को कितना देगा, वो देगा 10/80 ऑफ फर्म गुडविल। यानी अगर मैं निकालू यहां पे एक्स सेक्रीफाइस तो इज इक्वल टू टोटल फर्म का गुडविल कितना था आपका 70,000, और इस 70,000 का वो 1/8 बोल लो या फिर आप 10/80 बोल लो, ये आ गया 8750। अब इसकी जनरल एंट्री एक बार, जनरल एंट्री कह रहा हूं, एक बार इसकी अकाउंटिंग ठीक से देखना आप। मैं इस साइड में लिखूंगा बाय वाइज कैपिटल, वाई एक्स को देगा 8750 और वाई जेड को भी देगा 14,000, और टू साइड में लिखेंगे टू एक्स कैपिटल और टू साइड में लिखेंगे जेड कैपिटल और एक्स वाई में से 8750 और एक आ जाएगा 14,000। अच्छे से इस एंट्री को देख लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, ये एंट्री मुसीबत खड़ी हो जाती है बच्चों के लिए यहाँ पे, क्योंकि देखते हैं एक गेन कर गया फिर सारा रिवर्स करके निकालो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो सेम सिचुएशन एडमिशन में भी कई बार करा हुआ है, वहां पे गेन कर जाता है, रिटायरमेंट में भी कई बार करा हुआ है, अब इससे डेथ में भी आ गया आपका ये। तो सबसे पहले अगर इसका एग्जाम में पूछा जाए जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री क्या करने वाले हैं, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू जेड। अब पहले ये देख लो ये 8750 में किसी को डाउट कैसे निकला, सबसे पहले मैंने गेनिंग रेशियो निकाला, जितना पार्ट वो गेन कर रहा था उसके हिसाब से मैंने इसका हिस्सा निकाल के दे दिया। अब ये देखो 14,000 कैसे निकला, किसी को डाउट, 14,000 में मैंने क्या करा, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, नंबर ऑफ परचेज 2.5, या मैं दो, या तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ 5/2 लिख दूं या 2.5, जो मर्जी लिखो। गुडविल ये किसका है, पूरे फर्म का, इसी बेस पे जितना पार्ट सेक्रीफाइस किया है वो निकालना पड़ता है। तो इसी बेस पे देखो मैंने यहाँ पे 70,000 1/8 बोल लू या फिर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए 10/80 कर दो, बात एक ही है। किसी को डाउट, फर्स्ट एडजस्टमेंट इसका कंप्लीट। सेकंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 14,000, पहले से ही स्टॉक, इसका मतलब है जो स्टॉक दे रखा है 14,000 का वो पहले से ही 14,000 रुपए से कम दिखाया हुआ है। इट मींस पहले स्टॉक हमारे बैलेंस शीट में कितने का था, 20,000, अब मेरे बैलेंस शीट में स्टॉक आएगा 34,000 और मेरा बेनिफिट हो गया बाय स्टॉक, स्टॉक बेनिफिट हो गया मेरा 14,000। किसी को डाउट इसमें, अंडर वैल्यूड मतलब होता है कम होना, अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, कम होना, पहले से ही कम है तो अब तो बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, तो यानी स्टॉक मेरा बढ़ गया तो फायदा हो गया। कहता है मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 13,600, यानी मशीनरी पहले से ज्यादा है, तो मशीनरी में अगर देखा जाए तो 62,400 पहले था, तो मैं यहां पे लिखूंगा मशीनरी 62,400 और इसमें से माइनस कर देंगे ओवर वैल्यूड 13,600,
क्लियर होना चाहिए। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम, तो आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है सर अंडर वैल्यूड का मतलब कम है तो आप ज्यादा प्लस क्यों कर रहे हो, पहले से अंडर वैल्यूड है ये। अगर बोलता बिल्डिंग को अंडर वैल्यूड कर दो तब अलग बात होता, ये पहले से है। ठीक है, अब इसके बाद 13,600 रुपए का मेरा लॉस हो गया और मैं यहां पे लिखूंगा टू मशीनरी 13,600। फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। बिल्कुल, जिसका डेथ वाला टॉपिक थोड़ा डेथ का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बिल्कुल रिटायरमेंट का जैसा है लगभग लगभग, और कुछ भी नहीं है, बस एक दो एंट्री चेंज है, वो भी इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से नहीं आने वाला। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ऑल डेटर आर गुड्स, इससे पिछले वाले बैच में सब ने ये एडजस्टमेंट पूछा था, ऑल डेटर आर गुड्स फुल स्टॉप के बाद यहां पे एक क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। कहता है जितने भी डेटर है वो सारा गुड है, बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो डेटर है मेरा 24,000 रुपए का, डेटर है मेरा कितने का 24,000 रुपए का, लेस प्रोविजन 4,000। तो इसका कहने का मतलब है भाई अब जो डेटर है आपने लेस प्रोविजन कर रखा है वो मत करो, डायरेक्ट 24,000 दिखाओ। बेनिफिट कितने का हो गया, बाय प्रोविजन फॉर डेटर 4,000। आगे अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आगे क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, आगे फर्दर कहता है कि अ डेटर हुज ड्यूज 400, एक डेटर जिसका बकाया था 400 रुपए वर रिटर्न ऑफ, उसे हम मान चुके थे कि वो मेरा पैसा अब नहीं देने वाला फ्यूचर में, लेकिन पेड 50% फुल सेटलमेंट, वो मुझे 50% दे के चला गया। अगर वो प्रॉमिस करता कि प्रॉमिस टू पे तो कोई एंट्री नहीं होता, वो बोल रहा है मैं दे रहा हूं 50% तो फायदा हो गया, डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, तो बाय साइड में बैड डेट्स रिकवर, रिकवर 200। और एक क्योंकि ये मेरे पास कैश में देखे जाएगा तो जो भी मेरे पास यहां पे कैश आएगा उसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा बैड डेट्स रिकवर 200। ठीक है, मैं यहीं पे प्लस माइनस करूंगा, अलग से मैं कैश अकाउंट नहीं बना रहा। आगे देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड, आउट ऑफ अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिट एंटायरली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका हिंदी मीनिंग है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया था और उसको मैंने पूरा का पूरा डेबिट किया था, उसमें से 2,200 विल बी कैरी फॉरवर्ड एन अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, उसमें से 2,200 रुपए हमारा अनएक्सपायर्ड है यानी प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। तो एसेट्स में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 2,200 और सेकेंड एंट्री फायदा हो गया बाय प्रीपेड और कितने का 2,200। किसी को डाउट, अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड। इसका कहने का मतलब है कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में सारा का सारा खर्चा मान लिया है लेकिन उसमें से 2,200 रुपए तो अनएक्सपायर्ड है, तो 2,200 रुपए अगर एक्सपायर्ड है तो इस साल का तो है नहीं, वो तो अगले साल का होगा, तो इसका मतलब उसमें से 2,200 रुपए मेरा एडवांस में खर्चा किया गया है जो कि क्या बन गया, प्रीपेड इंश्योरेंस, और वो प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा एसेट्स है, पहले कभी भी प्रीपेड इंश्योरेंस था नहीं, बैलेंस शीट में चेक करो तो एसेट्स बढ़ गया और बेनिफिट हो गया, तो इसलिए मैंने रिवेल्यूशन के बाय साइड में इसको मैंने दिखा दिया। क्लियर है पॉइंट, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड, 1,000 इंक्लूड सन्ड्री क्रेडिटर लाइकली नॉट टू बी अराइज, एक क्रेडिटर है जिसको मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो पहले सन्ड्री क्रेडिटर 18,000 था तो मैं क्रेडिटर यहां लिख देता हूं, क्रेडिटर 18,000, इसमें लेस कर देंगे नॉट लाइकली 1,000, लाइकली नॉट टू अराइज का मतलब होता है वो मांगने नहीं आ रहा, क्रेडिटर बोल रहा है कि मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं है या फिर मुझे मिला ही नहीं, वो तो फायदा हो गया, वो नहीं आएगा, मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है, बाय क्रेडिटर 1,000 रुपए। देखो किसी को डाउट, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ,
अ क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन 1000 ऑन द वर्कमैन कंपनसेशन प्रोवाइडेड फॉर। कहता भाई वर्कमैन कंपनसेशन जो भी बनाया होगा वो ठीक है, उसमें से 1000 रुपए तो मुझे देने पड़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले जो मैंने यहां कैलकुलेशन किया इससे पहले मैं इरेज कर देता हूं, चिंता मत करो, ये आपको दोबारा दिखा दूंगा। हाँ तो इसके अंदर सबसे पहले देखो आपका कहता है कि यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन पहले देखो 7000 का था, लेकिन क्लेम कितना डिटरमाइन हो गया। तो आपको अच्छे से पता है वर्कमैन कंपनसेशन जितना क्लेम डिटरमाइन होगा वो तो बन जाएगा लाइबिलिटी, और जितना बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। मैं हर बार बच्चों को बताता हूं कि आपका जो ओल्ड रेशो होता है, सारा जितना भी एक्टिविटी है सारा काम ओल्ड रेशो में बटता है, सिर्फ गुडविल ही गेनिंग रेशो में बांटा जाता है या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो में, डिपेंड ऑन के एडमिशन है या फिर रिटायरमेंट या डेथ है। फिर भी बच्चा पूछता है सर रिवोल्यूशन किस में बांटे, फिर बच्चा पूछेगा सर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नया मिला है किस में बांटना है, इसमें न्यू मिल गया मुझे ये। मैंने बोला भाई सारी चीजें ओल्ड रेशो में बांटा जाता है, सिर्फ गुडविल बांटा जाता है किसमें, सेक्रीफाइसिंग या। तो कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन हो एग्जाम करते टाइम पे तो इस बात को हमेशा याद रखना, सारा ओल्ड रेशो में ही बढ़ता है क्योंकि ये पुराने पार्टनर का होता है जो कुछ भी है बैलेंस शीट में। तो 6000 का था, बचा कितना 5000 पहले से बैलेंस शीट में, सॉरी 7000 का था 1000, 6000 बच गया। तो 6000 को रेशो में ओल्ड रेशो में यानी डिवाइडेड बाय 10 × 5 3000 मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1800 और 1200, इसमें किसी को डाउट, सिंपल। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगर अगले पॉइंट पे चले तो कहता है कि इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत अच्छे एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड 8200 एंड के बाद और फुल स्टॉप के बाद हमेशा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहता है अ क्लेम ऑफ 1000 सॉरी इन्वेस्टमेंट वी सोल्ड 8200, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट था कितने का। तो नाउ इन्वेस्टमेंट विल बी शो इन द बैलेंस शीट ओनली 6000, और इसे बोला गया कि इसे बेच दिया गया 8200 का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फायदा हो गया 2200 का, इसे कैसे करेंगे। कहता इन्वेस्टमेंट सोल्ड, सोल्ड करने के बाद पैसा भी तो मिला होगा हमें, तो एक तो कैश अकाउंट में मैं क्या करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट को प्लस इन्वेस्टमेंट 8200। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मैं कुछ शॉर्टकट वर्ड यूज कर रहा हूं, समझ में ना आए पूछ लेना। पहला है बैड डेट्स रिकवर, दूसरा इन्वेस्टमेंट सोल्ड, और बेनिफिट हो गया तो बाय साइड में आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट और 2200। क्या बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट बचा, नहीं बिक चुका है वो। चलो लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं और आगे कंटिन्यू में कहता है एंड सम 11200 पेड एग्जीक्यूटर ऑफ जेड इमीडिएटली बैलेंस हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट एक्सेट्रा, बाद का बात बोल रहे कि क्या करना नहीं करना। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि हम उसे अभी पहले 11200 पेड कर देंगे एग्जीक्यूटर को, तो कैश में पेड कर दूं मैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट में पेमेंट होगा, ये एग्जीक्यूटर है टू कैश, और कितना पेड करना है 11000 माइनस कर देता हूं 11200। ये किस में माइनस प्लस कर रहा हूं मैं, कैश में, मैं कैश अकाउंट नहीं बना रहा फिलहाल। ये लो सारा का सारा। आगे कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ने तो आगे पढ़ा ही नहीं, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है 11200 पेड एग्जीक्यूटर जेड इमीडिएटली बैलेंस पेड फोर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। बोलता है बाकी जो बच गया, यानी बच गया तो बाद में पता चलेगा, पहले इसका सारा करेंगे फाइनल, तो जो भी बच जाएगा उसको 8% ब्याज के हिसाब से पेमेंट कर देंगे फ्यूचर में, और ईयरली हाफ ईयरली हमारा इंस्टॉलमेंट। तो जैसे अगला साल आएगा तो अगले साल फिर से हमारा अकाउंटिंग अकाउंट प्रिपेयर करेगा, तब लोन अकाउंट क्रिएट होगा, इस साल लोन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। सो रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट एंड एक्सेट्रा, सारी चीजें बना ही रहे हैं इसमें। क्वेश्चन में आगे अब लाइबिलिटी और एसेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में गुडविल नजर आएगा 12000, एसेट साइड में गुडविल कितने का है 12000। अब इस 12000 गुडविल का क्या करेंगे आप बताओ, क्या नाम है आपका, इससे पूछना, इससे क्या नाम है, साहिल बताओ ये 12000 का क्या करेंगे, कहां
पार्टनर्स कैपिटल में, टू में बाय में, बाय में इस साइड, आप बताओ ऋषभ, टू साइड में बढ़ता है बैलेंस शीट का ओल्ड गुडविल हमेशा, टू गुडविल 12,000 और कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड में 6,000, 3600, 2400, ये थोड़ा मिट गया। आगे देखते हैं बैलेंस शीट का एसेट, पेटेंट, पेटेंट 52,000 बैलेंस शीट में ही आ जाएगा, 5200 या 1000, 52,000 रुपए, बिल्कुल सही। मशीनरी मैं कर चुका हूं, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, स्टॉक 20,000 सेम एज इट इज रह जाएगा, स्टॉक कितने का है, अरे हो चुका है स्टॉक, तो हो गया स्टॉक, हो गया संडी डेटर हो चुका, लोन टू जेड, जब कभी भी रिटायरमेंट का केस होता ये तो लोन टू जेड में बैलेंस शीट के एसेट्स में ही दिखाता, लेकिन डेथ के केस में तो अब इसका सारा फाइनल करना होगा, तो ऐसे सिचुएशन में रिटायरमेंट के केस में मैं लोन टू जेड इसमें भी दिखा सकता था फाइनल, लेकिन डेथ के केस में आपको क्या करना है, उसी पार्टनर के अकाउंट में दिखाना है। एसेट्स में दिखाने का मतलब है फर्म ने, एक्स वाई जेड फर्म ने जेड को पैसा उधार दिया है, तभी तो मेरा एसेट्स बना है। ये बैलेंस शीट किसका दे रखा है क्वेश्चन में आपको, फर्म का दे रखा है, तो फर्म अपने एसेट्स में दिखा रहा है, इट मींस फर्म ने दिया होगा लिया होगा, दिया होगा यहां पे, तो इसका मतलब दिया होगा तो जेड ने उधार पैसे ले रखे होंगे फर्म से, तो जेड ने ले रखे होंगे तो उसके कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा सोचो, माइनस होगा, तो माइनस किधर से होता है कैपिटल, टू साइड से, टू जेड लोन कितने का है, बस 1000 लिया उधार। इसके बाद आगे कहता है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दे रखा है आपको 600, ये कैश एट बैंक कर देता हूं इसको 600, इसको कंफ्यूज मत होना देख के। आगे क्वेश्चन में कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस 1.5 लाख बट जाना चाहिए, साहिल बताओ प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड बटेगा, साहिल टू में, देखो एक बार मैंने यहां पे भी इस्तेमाल कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, देखो तो 1.5 लाख क्या मुझे बांटने की जरूरत है या नहीं है, यहां इस्तेमाल कर लिया, आप बताओ बटेगा नहीं बटेगा, सबके सब नालायक है एकदम, बटेगा अरे जिससे पूछा है वो तो है ही है, अरे इधर देखो इधर, आप डिवाइडेड बाय 10 इनटू में 5 3 और ये आ गया 2, 30,000 रुपए बांट दिया मैंने, ठीक है क्लियर है। यानी देखो आपका जब कभी भी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दे दे, जनरल रिजर्व दे दे, चाहे किसी भी वर्क के अंदर यूज हो गया हो वर्किंग नोट में, उससे लेना देना नहीं है, उसको बटना है तो बटना बांटना ही पड़ेगा आपको। ये एसेट साइड में है तो इसका मतलब लॉस है, प्रॉफिट है लॉस, अगर आपका ये होता लाइबिलिटी साइड में तो होता प्रॉफिट, तो इधर मैं बांटता। ये लो ये भी कंप्लीट, एसेट साइड में ड्रॉइंग भी दे रखा है यहाँ पे, अब जेड का ड्रॉइंग कहां पे आएगा, टू साइड में, टू ड्रॉइंग कितने अमाउंट का कर लिया, 12,000, इसमें बड़े सारे इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब आगे देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर मैंने रिटर्न कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अब इसके अंदर मैंने बहुत सारे केसेस बताए थे आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर, तो यहां पे नुकसान तो है नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट महंगा ही बिका है, तो ये रिजर्व फालतू में पड़ा है, इसको बांट दिया जाएगा, किस रेशो में बांटेंगे इसको, ओल्ड रेशो में, और ये बट जाएगा हमारा इस साइड में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितने का है ये, 7 डिवाइडेड बाय 10 3500 2100। अब चलो आगे चलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन हो चुका है, कैपिटल 1,35,95,000 और 74,000 रुपए, बाय बैलेंस बीडी, एक लाख 35,000, 95
सेवेंटी सारा इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे पुट कर दिया, सारा का सारा एडजस्टमेंट कर लिया मैंने, सारा का सारा बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर दिया और अब सिर्फ टोटलिंग का प्रोसेस रह गया है। अब इसके अंदर इस क्वेश्चन में हमने न्यू क्या, सबसे पहले देखो रिटायरमेंट का क्वेश्चन, डेथ का क्वेश्चन है, तो डेथ का क्वेश्चन मुझे तब थोड़ा बहुत लगता जब मैं कैलकुलेशन करता प्रॉफिट का, कोई प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं हुआ। रीजन बिकॉज ऑफ इसका डेथ होता है कब, साल के स्टार्टिंग में, अगर बीच में होता कभी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होता तो उसका डबल एंट्री भी करना पड़ता, वो जाता या तो लाइबिलिटी में या तो जाता एसेट्स में, और नॉर्मली जब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बनता है तो वो हमारा एसेट साइड में आ जाता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, यहां से हमारा निकल जाएगा, जैसे कि साफ पता चल रहा है प्रॉफिट ही होगा, तेईस हजार छह सौ, क्रॉस वेरिफिकेशन करते रहना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल एक्स वाई जेड। कुछ बच्चे सोच रहे हैं जेड जब जा रहा है तो उसको प्रॉफिट नहीं, उसको भी प्रॉफिट मिलेगा, और माइनस 13,600 डिवाइडेड बाय 10 इनटू में 5,000, चेक करो 10,000, ठीक है। अब ये 10,000 की डबल एंट्री कहां करेंगे, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नोट। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, नोट मत करो पहले इसे समझ लो आप, एक लाख 35,87,50, 155 250 माइनस में 6,000 माइनस में 75,000, 74,250, अरे बैलेंस सीडी चेक करो, 74,250 क्रॉस चेक करो आप इसको, ठीक है। ये बैलेंस सीडी आ गया इसका, इसका बैलेंस सीडी कहां पहुंच जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, कैपिटल एक्स वाई जेड का आएगा क्या, नहीं आएगा, जेड का लोन आएगा, हा मर गया जेड, वाई का देखते हैं, एक लाख 1900। जो बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं उनको तो ठीक है, जो नहीं करके चल रहे उनको दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, वो सिर्फ सोच रहे हैं नोट करेंगे और टेंशन खत्म, टेंशन वही शुरू हो जाएगी आपके जो नोट करोगे तो। तीस हजार 550, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। ये लो 92,600। अब इसके लिए जगह तो बच नहीं रहा, तो मैं अलग से लिख देता हूं इसे, इसको अलग से लिख देता हूं, यहां पे 2Z एग्जीक्यूटर अकाउंट, मेरे पास यहां स्पेस नहीं है, ऊपर लिख रहा हूं माइनस करके, माइनस 2400 माइनस 1000 माइनस 30,000 माइनस 12,000, ये आ गया 47,200। अब पेमेंट भी तो किया है, बाय जेड कैपिटल सैतालीस 202 एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर लोन माइनस कर देते हैं 11,200, 36,000 रुपए का लोन है,
चेक करो लोन कितने का है। छत्तीस हजार यहां तक क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या है, बैलेंस शीट को टोटल करो और आपका हो जाएगा मैच 74,250 104,800 प्लस 36,000 प्लस 1,000 प्लस 17,000 158,800। अरे ये तो माइनस में आ गया, समस्या ये है कि अब देखो ये माइनस में निकल गया, माइनस में आ गया तो यहाँ नोट दे देना कि फर्म को राइट है कि अपने कैश एट बैंक को ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं अब यहाँ पे एक लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये आ गया 2200 का। फिर से समझो इसे, मैं यहां से हटा रहा हूं इसको, ठीक है। हुआ क्या, नॉर्मली मैं सोचा था मेरे पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, मैं पेमेंट कर दूंगा इजीली। तो मैंने अब टोटल करके देखा तो मेरे पास यही कैश पड़ा हुआ है बस, और इसका टोटल जाके बनता है हमारा कैश का 600 रुपए प्लस में 200 रुपए प्लस में 8200, यानी 9,000 रुपीज बन रहा है। लेकिन पेमेंट 11,200 करना है, तो इसका मतलब पेमेंट करे कहां से। तो हम मान लेंगे कि हमने बैंक से थोड़े पैसे उधार ओवरड्राफ्ट ले लिए होंगे और फिर मैंने उसका क्या करा होगा, पेमेंट कर दिया होगा। तो अब इसका कैलकुलेशन इधर ना के इधर से कैलकुलेशन सारा का सारा ये खत्म हो जाएगा। अब मैंने इसको यहां पे दिखा दिया 2200, इसको वर्किंग नोट में मैं यहां दिखा देता हूं, ठीक है, या कैश अकाउंट बना दूं, यहां लिख दूं साइड में, ये ठीक रहेगा। 8200 कितने का बिका था इन्वेस्टमेंट, 2200 ओवरड्राफ्ट, ये लो, ठीक है, ओवरड्राफ्ट आ गया। अब 158,800 प्लस में 2200, 1,61,000 इधर का टोटल कर लेते हैं, 62,400 माइनस 13,600 तो ये आ जाएगा 48,000 प्लस 1,61,000 और बैलेंस शीट हो गया मैच। अब आप इसको फटाफट से एक बार नोट कर लो, जिसने आधा अधूरा पहले मैंने कुछ देर पहले आपको दिया था कि आप एक बार ट्राई करो, जिसने आधा अधूरा करा था उसको कंप्लीट करो। किसी को किसी भी एडजस्टमेंट में डाउट है तो वो एक बार पूछ ले, घर पे कोई बताने नहीं आने वाला आपको। किसी को डाउट,